हमने शायद ऑक्टाहेड्रन तो देखा होगा, लेकिन एक स्क्वायर कागज की मदद से हम आज हेक्साहेड्रन बनाएंगे। ये बहुत ही रोचक स्ट्रक्चर है। इसमें दो ट्रायंगुलर पिरामिड्स बैक टू बैक बैठे हुए हैं। हर ट्रायंगुलर पिरामिड का बेस एक समभुज त्रिकोण यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इसको बनाने के लिए हमें एक साधारण स्क्वायर कागज की जरूरत है। सबसे पहले कागज को तीन भागों में बांट लीजिए, दोनों दूसरी भुजा को भी तीन बराबर भागों में बांट लीजिए। और इसके बाद स्क्वायर को बीच की डायगोनल से मोड़ लीजिए ताकि आपको इस स्क्वायर का बीच का एक पॉइंट मिल जाए। और आपको दिखाई देगा कि अब स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर बन गया है। बड़े वाले स्क्वायर के हर कोने को लेकर छोटे वाले स्क्वायर के दूर वाले कोने पर रखकर मोड़ दीजिए। ये काम स्क्वायर के चारों कोने के लिए करिए। इसके बाद आपको अपने कागज पर कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई देगा। बीच की डायगोनल से मोड़कर दूसरा कोना भी वापस मोड़ लीजिए तो एक नाव की जैसी आकृति दिखाई देगी। नाव के नीचे वाले भाग को ऊपर और नीचे दोनों तरफ दबाकर मोड़ दें। और ये सबसे मुश्किल फोल्ड है, अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करिए। यही काम नाव की दूसरी तरफ भी कीजिए। ऐसा करने के बाद आपको एक स्क्वायर दिखेगा जिसके ऊपर दो ट्राइंगल्स लगे हुए हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को स्क्वायर के अंदर छुपाना है, ये एक तरफ और दूसरा ट्रायंगल दूसरी तरफ। और ये हेक्साहेड्रन बिल्कुल तैयार है, सिर्फ खोलने की ज़रूरत है। खोलने के लिए दोनों उंगलियों को बीच में रखकर थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, और जोर लगाते ही ये एक आवाज़ के साथ खुल जाएगा और हेक्साहेड्रन तैयार है। तो देखिए, ये है एक हेक्साहेड्रन जो कि दो ट्रायंगुलर पिरामिड्स एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए हैं उससे बनता है। इन ट्रायंगुलर पिरामिड्स का बेस एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और साइड्स आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो मजा लीजिए एक स्क्वायर पेपर से हेक्साहेड्रन बनाने का।